लाल बहादुर के अंदर है, उसकी तबियत बहुत सीरियस है। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने पता करा साजिद कहाँ है कि भाई वो मोर्चुरी में है। मोर्चुरी क्या हो गया ऐसा हादसा? डॉक्टरों ने देखते ही नहीं बता दिया पुलिस वालों ने कि तुम्हारे पोते को दिया आ कुछ। नमस्कार, दिल्ली अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मौजूद हूं, जहां पर एक खौफनाक मामला सामने आया है। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम साजिद है, उसकी हत्या हो जाती है और सीधा सीधा अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हत्या जो है दो लड़कियों ने की है। अभी किसी को ये नहीं पता है कि आखिर वो दो लड़कियां कौन है, लेकिन अभी साजिद के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, पूरे मामले को जानते हैं। सर आपका नाम? सलीम अहमद। आप साजिद के पिता हैं? मैं उसका बड़ा पापा हूँ, ताऊ हूँ उसका मैं। सर क्या हुआ था? वो शादी में बोल के गया था कि मैं शादी में जा रहा हूँ दोस्त के यहाँ, और जब वो कल तक नहीं आया तो हमने कॉल उससे कॉल वगैरह रखी कि हाँ भाई मैं आ जाऊँगा शाम को आ जाऊँगा, ऐसा उसने फ़ोन के ऊपर कहा। कॉल वगैरह उठाई थी? उसने कॉल उठाई थी, 4-5 बजे तक उसने कॉल उठाई थी और बात भी करी थी यानी कि हाँ मैं आ जाऊँगा और मैं शादी में हूँ। लेकिन जब हमें आज सुबह 3 बजे LBS से कॉल आती है कि आप साजिद के यहाँ से बोल रहे हैं कि हाँ क्या जैसे उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस है, आप यहाँ आ जाइए। तभी एक ऑटो रिक्शा वाला भी जो LBS से अपने बच्चों को ले गया था, और उनने भी हमें आकर फ़ौरन बताया कि हाँ हाँ साजिद ही। हमें डाउट हुआ कि पुलिस पता नहीं कोई बात तो नहीं हो गई है, बच्चे का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ऐसे बुला रही है। लेकिन जब हमारे पड़ोसी ने हमें बताया जो ऑटो में गया था LBS अपनी बीवी को लेकर लौटते में, उन्होंने बताया कि भाई साजिद ही है और वो लाल बहादुर के अंदर है, उसकी तबियत बहुत सीरियस है। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने पता करा साजिद कहाँ है कि भाई वो मोर्चुरी में है। मोर्चुरी क्या हो गया ऐसा हादसा? तब उनने बताया कि भी ऐसा तो ये हैं और इसका मामला ऐसा सब हुआ है। क्या लग रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्यों हत्या हुई थी? अब इसके बारे में मैम हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या मामला हुआ है। जब हथियार से वार किया गया, हथियार से ऐसा कोई बात शो नहीं हो रहा उसके ऊपर, लेकिन ये है कि इतना हेल्थी बच्चा के क्या साथ में हुआ है तो पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। दिल्ली पुलिस भी है और UP पुलिस के दोनों मिलके इस काम को वो करेंगे। आ जा रहा है दो लड़कियां थी इसमें इन्वॉल्व, दो लड़कियों ने मारा, लाए थे उन्हें जो लाई थी उस टाइम पे, वहाँ दो लड़कियाँ ही थी जो लाई थी, समझे? आप जानते हो लड़की? नहीं, हम कभी नहीं जानते, हमारा परिवार कोई उन्हें उनसे बातचीत उन्होंने कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, कभी हमने कभी देखा नहीं उसे, क्या मामला है ना हमने कभी नाम सुना। साजिद अपने दोस्तों के साथ गया था, दोस्तों से बातचीत हुई आपकी? दोस्तों से बात हुई लेकिन कोई उसको साथ में नहीं गया था, दोस्तों ने बताया कि हाँ भाई हम तो कह रहा था शादी में, लेकिन हम शादी में गई नहीं, हमसे बाइक में मांग रहा था बाइक। हमने शादी में पहुँचा था या नहीं उसकी शादी का भी हमें कन्फर्म नहीं है कि वो शादी में गया भी था या उन्हीं से मिलने गया था या वो उनसे मिलने आए थे, अभी ऐसा कुछ मैम क्लियर नहीं हो पाया है। क्या मामला? किसी रिश्तेदार की शादी में गए होंगे वो? नहीं, रिश्तेदारी में तो हम जाते भी, जब शादी में रिश्तेदारी में होती तो हमें पता होता, हम जाते जहाँ वो शादी में जाने वाले थे। आपको पता था वो शादी कहाँ हो रही है और किसकी हो रही है? उसने वहाँ से पूछा फ्रेंड्स, उनने कोई फ़ोन नंबर भी नहीं दिया और कहीं का प्रॉपर एड्रेस भी नहीं बताया था, समझे? ऐसा कोई प्रॉपर एड्रेस नहीं बताया कि उसने कहाँ जाना था, हो सकता उसका कोई बहाना हो और किसी से मिलने जाना हो या कोई उसकी मीटिंग हो किसी के साथ में। साजिद के भाई भी अभी मेरे साथ मौजूद हैं। सर साजिद अपने दोस्तों के साथ गए थे, हमने साजिद के दोस्तों से बातचीत की इसको लेकर? नहीं मैम। मतलब क्या, दोस्त की शादी थी? दोस्त की शादी थी है ना, पता तो नहीं है बंदों ने, पता नहीं किसी ने मरवा दी है, पता नहीं हमें बताया नहीं है, अभी किसी ने नहीं बताया। दो लड़कियां थी उस वक्त? दो लड़की थी। उनका चेहरा याद है? चेहरा नहीं मालूम। उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की हो? नहीं मैम, वो सिर्फ पहुँचा कर चली गई थी। पूछते आपको किसने बताया कि दो महिलाएँ थी? दो महिलाएँ थी, फोन आया था अभी हमारे पास। वो कॉल किसका आया? कोई था पुलिस वालों ने उन दोनों से पूछताछ नहीं करी कुछ? पूछा था, वो जेल में बंद है दोनों। जो वो दोनों जेल में बंद? हाँ, उनसे पूछे ने क्या बात हुआ, अब वही पता लग पाया कि कुछ बताया हो? नहीं बताया मैम। आप किसी दोस्त को भी नहीं जानते उसके? नहीं। आपको कब पता चला इसके बारे में? मैम सुबह पता चली थी हमें, हम सो रहे थे सारे, हमारे घर वाले सब सो रहे थे, हमारी मम्मी, हम सब सो रहे थे, मम्मी के पास फ़ोन आया ऐसे से बात है, समीर हॉस्पिटल में भाई भर्ती है और मम्मी चले गए सब लोग, हमें पता है मोर्चरी में रखा है। हाँ, साजिद की उम्र क्या थी? साजिद की उम्र 24। वो करते क्या थे? काम करते थे। काम करते? हाँ, ये है फ़ोन होती दुकान। उन्होंने कभी बताया कि किसी से दुश्मनी चल रही है या कोई परेशान कर रहा है? नहीं मैम। क्या साजिद ने कभी बताया कि किसी से दुश्मनी या कोई परेशान कर रहा है उसे? नहीं बेटा। वो कह रहे वो अपने दोस्तों के साथ गए थे, क्या आपको दोस्तों पता है कौन दोस्त थे उनसे? पता के नहीं गया, बस यूं कह रहा मैं शादी में जा रहा हूँ, ये भी नहीं बताया किसकी शादी थी? नहीं बताए।
कल 5 बजे मुझसे बात हुई है तो ये कह रहा मम्मी मैं शाम को आऊंगा। कोई दो लड़कियां थी इसमें? दो लड़कियों की मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। कितने बजे गए थे? नहीं देखे। कितने बजे घर के टाइम गए? परसों मगरिब के टाइम गए। किसी पे शक है आपको? मुझे ना पता, मारा है लड़की वड़की का कोई मैटर नहीं था मेरे बच्चे का, मारा है मेरे बच्चे को तो मारा है, अरे मारा है मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को मारा है। साजिद की दादी भी अभी मेरे साथ मौजूद है। मैम कहा जा रहा था कि कोई दो लड़कियां हैं जो इसमें इसमें शामिल है, आप इस पर कुछ कहेंगी? मुझे कुछ पता ही नहीं हमें उसके बारे में। बच्चों से आपस में बारात घर के ऊपर बात हुई तो कहने लगे साजिद का भी रिश्ता कर देंगे, साजिद की बहन की शादी, दोनों बहन भैया का साथ कर देंगे। कहने लगी माँ उसकी कि मैंने 2-3 लौंड के देखा है, सब पसंद ना आ रही है, दूर की कहीं पास की कह रहा। साजिद भी किसी शादी में गया था, पता लग पाया किसकी शादी में गया था, कौन उनके साथ? बीवी, यही तो सारी गलती है। कोई धमका रहा है या किसी? कुछ नहीं बताया मेरी बच्ची, उसने डॉक्टरों ने देखते ही नहीं बता दिया पुलिस वालों ने कि तुम्हारे पोते को दिया वहाँ कुछ दिया जहर वहर। हाँ वही बता रहे थे पुलिस वाले वहाँ, जब हम गए ना हम बच्चे को दिखा दो, तो मैंने कहा ऐसे क्या बात हो गई कि उसे कुछ देखा, ये बताया। पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है? मुझे पता नहीं, मेरी बच्ची जो बात है मेरी कोई बात ही ना हो रही किसी से। ऐसा शाहिद के चाचा जी भी मौजूद हैं। सर बताया जा रहा था कि वो किसी शादी में गए थे, क्या पता लग पाया किसके साथ गए थे, किसकी शादी में गए थे? नहीं किसी के साथ, ये बस इसने कल बात हुई थी तो इसने यही बताया था मैं किसी की शादी में गया हुआ हूँ, आज रिसेप्शन है मैं शाम तक घर आ जाऊँगा। उन्होंने बताया नहीं किस दोस्तों के साथ जा रहे हैं? किसी का नाम नहीं बताया जाता। दो लड़कियां भी इसमें शामिल हैं? शामिल का तो मुझे मतलब जब इस अस्पताल लेके आए तो वो लड़की इसके साथ थी अस्पताल में। घर में बहन की शादी भी थी? घर में बहन की करेंगे 5 महीने बाद इसकी बहन की शादी है। बहन की शादी भी कल उसी बारे में घर में बात करी थी, जब पता लगा ये था नहीं घर पे, जब तो दोपहर में फ़ोन करा इसके पास, जब इससे बात हुई कह रहा मैं शाम को आ जाऊँगा, यही बात थी। मैं चेहरा भी नीला पड़ा हुआ था कि जहर वहर दिया हुआ है? नहीं है सर नहीं लग पाया अभी, क्योंकि जब हम अस्पताल पहुंचे तो ये मौचरी में था। किसी पर शक है आपको? नहीं जी हमें किसी पर शक। दो पुलिस वाले लेडीज पुलिस वाले 3 पुलिस वाले आए थे, उस लड़की को अरेस्ट करके ले गए वो, अगर पोस्टमार्टम लड़कियाँ सीमापुरी की थी? हाँ सीमापुरी वो टीला मोड़ है कोई शायद बहुपुरा में। बताया जा रहा था कि साजिद किसी की शादी में गया था, आपको पता लग पाया किसकी शादी में गया था, किन के साथ? दोस्त की शादी थी दीदी। दोस्त का पता लग पाया आपको? नहीं दीदी। शादी का कार्ड मिला होगा उससे कुछ पता लग पाया? नहीं दीदी। शादी का कार्ड नहीं मिला था? नहीं नहीं बस ही मैं जा रहा हूँ, बस ये कहा था उसने, कल भी 5 बजे बात हुई है हमारे छोटे भैया ने उससे बात करी तो कह रहा चाचा मैं मेरठ आया हूँ और मैं शादी में आया हूँ दोस्तों के साथ, कह रहा दोस्तों के साथ। साजिद का चेहरा नीला पड़ा हुआ था, नीला पड़ा हुआ था, क्या जहर वहर दिया गया है? शायद हो सकता है, जब भी तो पोस्टमार्टम पता चलेगा मैडम इस बात के बारे में। तो किसी से बताया हो कि दुश्मनी है या किसी ने धमकाया हो उन्हें? नहीं दीदी ऐसी कोई नहीं है। बॉडी उसकी वहाँ सीमापुरी से लेकर आई है, वो जो औरत बता रहे हैं वो है तंजड़ी सी, बिल्कुल ऐसी नहीं है, लड़की हैं वो छोटी छोटी, मैं भी खुद देख कर आई हूँ उनको, मैं गई भी लेकिन हमारा भतीजा वहाँ पे कंडीशन में जा ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि क्या लड़की ऐसी हैं जैसे हम ये हैं बड़ी, इतनी लड़कियों ने कुछ बताया नहीं, वो कह रही थी क्योंकि मैं कुछ खाए पी के ऐसे ही मरे हुए हम तो लेकर आए थे इसको। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस वालों ने तो 4 बजे कॉल करी थी यहाँ पर, पुलिस ने उन लड़कियों से पूछताछ की, कह रहे ये इनका कुछ नहीं है जी, जो दोस्तों के साथ गया उनका पता लगाओ कौन है। आपको किसी पर शक है? नहीं दीदी। दोस्तों को ही नहीं पता चल रहा तो क्या कर सकते हैं बताओ ना, हमें ये पता वो शादी में कहाँ गया था कहाँ नहीं गया। साजिद ने कभी अपने किसी दोस्त के बारे में नहीं बताया? बोलो ना, वैसे दोस्त तो यहाँ पर हैं लेकिन जिनके साथ गया उनका नहीं पता ना, हाँ उनका नहीं मालूम जो शादी में। उन दोस्तों से नहीं बातचीत किया, उनको बताया हो कभी? अभी हम जाएंगे थोड़ा सा, अब ये है ऐसी परेशानी हो गई, बाद में बातचीत करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कैसे खुशी का मौका मातम में बदल गया, साजिद की रहस्यमय तरीके से जान चली गई, परिवार वालों को नहीं पता कि आखिर साजिद किसकी शादी में गए थे और किसके साथ गए थे। परिवार वालों का ये भी कहना है कि उन्हें नहीं पता कि वो किन दोस्तों के साथ गए थे। अब साथ ही साथ ये शक जताया जा रहा है कि साजिद के साथ जो साजिद की बॉडी लेकर आई थी वो 2 लड़कियां लेकर आई थी, और अभी इनका कहना है कि पुलिस ने उन 2 लड़कियों को हिरासत में ले दिया है। अब देखते हैं पुलिस इस पर क्या करेगी, और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपटूडेट।